एवरीवन, आज का वीडियो वर्डपैड का है। दोस्तों, वर्डपैड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। जो भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके साथ ही ये आता है। तो इसको बाहरी सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं, ऐसे मिलता भी है। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं कि नोटपैड और वर्डपैड में थोड़ा अंतर है, जो कि वीडियो में बताया जाएगा आगे चल के। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आप फुल वीडियो डीसीए का देख सकें। और तो ज़्यादा टाइम नहीं कमाते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं वर्डपैड के बारे में। आज हम लोग जानेंगे वर्डपैड के बारे में, जो कि बेहद ख़ास है। आज इस चैप्टर के बारे में फुली इंफॉर्मेशन जानेंगे कि वर्डपैड क्या है। ये वर्डपैड ना नोटपैड से ज़्यादा एडवांस है, थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। और वर्डपैड और नोटपैड में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए आज वर्डपैड के बारे में देखते हैं। तो वर्डपैड के खोलेंगे कैसे, तो सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम एसेसरीज एंड वर्डपैड क्लिक करेंगे, वर्डपैड खोल जाएंगे। इसके भी खोलने के दो तरीके हैं, तीन बंद करने के भी तीन तरीके हैं। तो अल्ट प्लस F4 से क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, यहाँ पे नोटपैड लिख लेंगे, सर्च बॉक्स में वर्डपैड लिख देंगे, वर्डपैड। तो नीचे आ गया वर्डपैड, तो वर्डपैड पर क्लिक इसको, उसके बाद यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हुआ, तीसरा लास्ट, यहाँ विंडोज प्लस R दबाएंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू खुलेगा, वहाँ पर वर्डपैड लिखेंगे और खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक इसको बंद करने के अल्ट प्लस F4 या क्लोज अल्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो एक मेन्यू खुलेगा, उस पर क्लोज लिखा, क्लोज पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम आने वाली वीडियो अब तक पहुंचाए। ये सबसे ऊपर देख रहे हैं जहां डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हो, ये क्विक एक्सेल टूल बार है। क्विक एक्सेल टूल बार होता है जो फास्ट में यूज, जैसे हम मान लिए कि क्विक एक्सेल टूल बार में कुछ ऐड करना है, जैसे क्विक प्रिंट प्रीव्यू ऐड करना है, तो हम ऐड कर सकते हैं अंडू। तो यहाँ पर जो भी है वो बढ़ता चल जाएगा कि हाँ, उसका साइन आता रहेगा। अगर मिटाना है तो यहाँ टिक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा। तो ये कि एक्सेप्टेबल है। और जो भी हम सेव करते हैं, किसी नाम से मान लेते हैं, इसको सेव करते हैं सुमन नाम से सेव किए, तो जो टाइटल बार है उसके उसमें आ जाता है। उसके बाद होता है मेनू बार में तीन ऑप्शन है, एक वर्डपैड बटन, दूसरा होम, तीसरा व्यू, यही तीन चीज़ के बारे में। उसके बाद ये है उसका मेनू, यहाँ क्लिपबोर्ड, होम में जाते हैं तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि न्यू, ओपन, सेव ऐसे क्या होता है। न्यू से न्यू पेज क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर कुछ भी लिखा हुआ, आई लिव इन इंडिया, तो इसको सेव करने के बता ही दिए, तो फिर से सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लिए सुमा नाम से। अब सेव ऐसे नाम चेंज होता है, पहले कि हमारे वीडियो में बताया गया है, उसमें यह है कि किस तरह से कॉपी कर, XML में कॉपी करना चाहते हैं या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, या अदर फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहिए, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, वो सारा ऑप्शन है जो कि नोटपैड में नहीं था। उसके बाद सेलेक्ट प्रिंटर नंबर ऑफ द कॉपी एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शन। दूसरा आता है क्विक प्रिंट, इसे सेंड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंज, माने कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाए। तीसरा
प्रिंट प्रीव्यू एंड द मेक चेंज पेज बिफोर द प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से पहले इसको चेंज करना। उसके बाद होता है, उसके बाद इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे प्रिंट, तो प्रिंट हो जाए प्रिंट सेटअप, तो प्रिंट सेटअप करेंगे कि A4 साइज है तो A4 साइज लें, क्योंकि नॉर्मली A4 साइज यूज है। यहाँ लेफ्ट राइट अप डाउन बॉटम कैसे कितना छोड़ना है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वन पेज, टू पेज, टू पेज देख सकते हैं, क्या कि यहाँ पर दो पेज नहीं है तो इसलिए दो पेज नहीं सीख सकते। यहाँ पे प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज, ज़्यादा पेज रहेगा तो ये दोनों वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पर 100% भी देख सकते हैं कि कैसा शो करेगा। उसके बाद क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप जैसा कि आपको अभी तुरंत बताया गया था, तो ये पेज सेटअप कर लेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ओके दबा देंगे। नेक्स्ट है सेंड ईमेल, यहाँ पर ईमेल, नो ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड टू क्रिएट न्यू प्रोफाइल, यूज़ द मेल आइकन इन द कंट्रोल पैनल। तो ये कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में ये करने के लिए, तो सेंड ईमेल भेजने के लिए। अब अबाउट वर्डपैड, वर्डपैड के बारे में कि कौन सा वर्जन है ये सब जानने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद एग्जिट, एग्जिट से बाहर निकाल देंगे, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है होम, होम पर चलते हैं, तो होम पर यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड देखते हैं, उसको कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद पेस्ट, आप पेस्ट आके जितना बार पेस्ट करेंगे वो उतना बार हो जाएगा। उसके बाद कट, कट को यहाँ से जितना अगर सेलेक्ट करेंगे वो कट जाएगा वहाँ से, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। अब रिच टेक्स्ट में करना है तो रिच टेक्स्ट में, उसके बाद अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, माने ये सारा ऑप्शन है जो इसको स्पेशल बनाता है उससे। अगर पिक्चर करना है तो पिक्चर हो सकता, पिक्चर के रूप में हो गया ओके। तो देन आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट है फॉन्ट, फॉन्ट के बारे में जानेंगे, फॉन्ट का जो भी सारा ऑप्शन है वो जानेंगे। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हो उस तरह से, नोटपैड में था तो ऑप्शन में जाके लाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर सामने है तो ये खास बात है। अब उसके साइज है, साइज जितना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 72 बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से ग्रो फ्रंट से बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते, देख सकते हैं कि 120, 130, 200, 500, अगर यहाँ पर 1600 तक जाता है, 1600 हुआ, 1638 तक जाती है, और मिनिमम एक होता है, मैक्सिमम 1638 और मिनिमम 1 होता है। 20 कर लेता हूँ। अब बोल्ड, बोल्ड से बोल्ड करने के लिए टहका और कंट्रोल बी होता है, इलेटिक थोड़ा कर्व करने के लिए, तिरछा करने के लिए, जैसे कि इसको भी ले लेता हूँ कुछ। अब ये अंडरलाइन, अंडरलाइन है तो अंडरलाइन से अंडरलाइन किसी शब्द को कर सकते हैं। उसके बाद है ये ABC, स्क्राइट स्ट्राइक थॉट, ड्रॉ ए लाइन थॉट द टेक्स्ट, माने टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं केमिस्ट्री का तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे HTO जल का होता है, H2 अगर 2 लिखते हैं तो सामने आए, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में तो H2O, फिर इसको हटा के और फिर O लिखना होगा। उसके बाद उसी तरह ये मैथ का फॉर्मूला यूज करने के लिए ये बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जैसे A² A और इस पर क्लिक करें सुपर स्क्रिप्ट पर स्क्वायर, फिर इसको हटाएंगे और प्लस का साइन देंगे, B² लिखेंगे।
तो इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसको मिट हटा देना, जब इसका काम हो जाए तो हटा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, ये है कलर, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर, माने किसी भी टेक्स्ट को हाइलाइटेड कर लेगा, जैसे यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं, वो कलर हो गया, पीछे हाइलाइटेड हो गया। यहाँ से टेक्स्ट कलर है, जो भी टेक्स्ट है उसको कलर करने के लिए यहाँ से कलर बना भी सकते हैं, यहाँ से जैसा भी कलर बनाना हो उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ कलर कोड होता है, हर एक को कलर का कुछ बेसिक कोड होता है, वो ये इस तरह से हो गया। अब हमारा ये फॉन्ट ख़त्म हो गया, अब ये डिक्रीज इंडेक्स इंक्रीज इंडेक्स। अब देखिए दोस्तों, ये H2O लिखा हुआ है, तो इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इधर की ओर मूव होगा, और डिक्रीज करेंगे तो कम होगा। उसके बाद है बुलेट नंबरिंग, बुलेट नंबरिंग है, तो यहाँ से हम स्टार्ट लिस्ट, अगर बाय द वे लिस्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो हम लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी जैसा लिस्ट ABCD 1 2 जो भी कुछ लेना हो हम ले सकते हैं। उसके बाद होता है कि यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच में कितना जगह छोड़ना है, जैसे हम दो छोड़ देता तो ज़्यादा छूट गया, और वही एक कर देता तो कम हुआ। अब ये है तो लेफ्ट एलाइनमेंट, सेंटर, राइट एंड नॉर्मल, ये पैराग्राफ, सो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ओके, कंट्रोल ए दबाएंगे लेफ्ट 1, ओके, दम नंबर 20 डिग्री 22, ओके, मेजरमेंट आर मस्ट बिटवीन 22, ये यहाँ पर भी होगा 22, ओके, द नंबर बिटवीन, एरर बता रहा है, लेफ्ट राइट टैब, यहाँ टैब जो भी ऑप्शन टैब से रिलेटेड है वो शो करेगा। तो दोस्तों आगे पिक्चर, यहाँ से कोई भी पिक्चर लाना हो तो हम ला सकते हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे, यहाँ पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जो भी पिक्चर लेना हो वो ले सकते हैं। यहाँ से पिक्चर में जाएंगे, और यहाँ से पिक्चर में जाएंगे, जो भी पिक्चर लेना, ये विंडोज़ का ले लेता हूँ, इसको जितना छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें मूव कर सकते हैं। उसके बाद पेंट है, पेंट में मेरे चैनल का नाम लिखता हूँ, कि यहाँ से पेंट के बारे में बताया जाएगा फुल वीडियो, लेकिन अब छोटा सा अभी हम अपने चैनल का नाम लिखें, केदार आनंद, आनंद प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके, यह आपको कैसा लगा। तो यहाँ से अपडेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो वहाँ पर चला गया, यहाँ क्रॉस कर देंगे, ये यहाँ पर आ चुका होगा अपडेट डॉक्यूमेंट, हाँ आ चुका है, लेकिन ये बड़ा साइज होने के कारण नहीं दिख रहा था, तो इसको छोटा करेंगे, छोटा कर दिए तो ये दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर किरार आनंद प्लीज सब्सक्राइब देश। उसके बाद डेट टाइम, डेट टाइम जो भी रखना है उस डेट टाइम को रख सकते हैं, जो भी डेट टाइम रखना हो रख सकते हैं, जैसे डेट टाइम आ गया। उसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से हम कोई भी डाई में जितना भी देख रहे हैं उस डाई में जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट, इन सारे चीज़ों में जा सकते हैं। तो ये ओके दबाएंगे और वहाँ पे चले जाएंगे। तो दोस्तों अब दिखा देता हूँ, जैसे एक्सेल
यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो ओके दबाएंगे और वहाँ पर चले जाएंगे। वहाँ यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, फिर अपडेट करूँगा तो क्लोज एंड रिटर्न टू सुमन वहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद होता है फाइंड। फाइंड आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इंडिया, इंडिया खोजता हूँ तो जहाँ जहाँ इंडिया है वो सेलेक्ट कर लेगा, या F3 दबाएंगे, F3 दबाएंगे जहाँ जहाँ इंडिया है वो सेलेक्ट करेगा। उसके बाद होता है कि रिप्लेस। अब इंडिया के जगह पर अमेरिका लिखना, अमेरिका, तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरा में हो जाएगा। रिप्लेस वन बाय वन करना है तो हम रिप्लेस करके रिप्लेस ऑल करेंगे तो वन पूरा हो जाएगा। चलिए, अब सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए भी उसके लिए आता है। यहाँ जूम इन है, व्यू में देखते हैं जूम इन है जितना बड़ा कर, लेकिन हम लोग 100% पर काम करते हैं। और यहाँ से काम होगा, जूम आउट से काम होगा, 100% हो गया। रूलर, इसको ऊपर वाला जो रहता है ये जो है उसको रूलर कहते हैं। स्टेटस बार नीचे है उसको स्टेटस बार कहते हैं। ये मीन वर्ड रैप। विंडोज़ करेंगे तो पूरा में हो जाएगा। नो ब्रैपिंग तो जैसा है वैसे रहेगा। और रूलर के साथ ना हम लोग ज़्यादातर यही इसी पर काम करते हैं, वर्ड ब्रैपर, वर्ड ब्रैप रूलर पर। मेजरमेंट सेंटीमीटर में, पॉइंट में, इंच में, पिकास में हो सकता है। तो इस वीडियो से बने रहने के धन्यवाद, और हमारे आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।